तो भाई साहब पापा खोजे रहे हमको और हम भी खोज रहे हैं। हेलो गाइज, गाइज पूरा काला हो गया पापा। आप तो पियोगे? पीनी है? अकेले पियोगे ना? पियो पियो, चलो मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। बाय बाय। सो हे गाइस, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब अभी फटाफट से ब्रश कर रहे हैं, तो मम्मी मेरे को कोलगेट दे रही है। कोलगेट जो था मेरा वो इसके अंदर चल गया भाई साहब, ऐसे जैसे पानी थोड़ा सा लगाते हैं ना, तो इसके अंदर चल गया। और भाई साहब कल तो बहुत तेज की बारिश हुई है ना, मतलब रुका ही नहीं है 2-3 घंटा लगातार। शाम को सारा मेरा जूता, फिर टी शर्ट और जीन्स इसी में डुबा के रख दिए। पापा बोले थे कि नहा लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज कैसा लग रहा है? पापा है नहीं तो अभी कुछ कमी लग रहा है। कुछ कमी लग रहा है, कुछ कुछ ला देते थे ना। हाँ ला देते थे, एक दिन देखो सब एक दूसरे के लिए कमी हो जाएगा। कमी। बात हो गया ना गाइस, जब तक माँ बाप है तब तक लोग कामयाब होना चाहते हैं, और किन्हीं किन्हीं को कामयाबी मिल जाता है तो किन्हीं किन्हीं को नहीं मिल पाता है, और माँ बाप के चले जाने के बाद किन्हीं किन्हीं को कामयाबी प्राप्त होता है। तो बस भगवान से यही दुआ करेंगे गाइस, जब तक जिनके माँ बाप जिंदा है, सही सलामत है, तब तक भगवान जो भी बंदा मेहनत कर रहा है, जो भी बंदा हार्डवर्क कर रहा है, उसके मेहनत को देखते हुए बस भगवान उसको मंजिल दे दे और माँ बाप को वो खुशी दे पाए। एक दो पल बोलते हैं ना, बच्चे तो जी लेते हैं यार माँ बाप को। हाँ डर लगता है, ट्रेने में घुमा देना। अच्छा ट्रेन भी लग्जरी होगा माँ, बस आशीर्वाद बनाए रखो। मैं फ्लाइट पे चढ़ा था तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था यार, जब ऊपर से आसमान देखते हैं ना तो लगता है कि यार सब अपने हाथों में आ गया यार। पता नहीं एक मिडिल क्लास लड़का क्या करूँ माँ, सोचो जब हम बोलते नहीं थे माँ देखो भी प्लेन जा रहा हो, चढ़ेंगे एक दिन बोलते। हाँ चढ़ेंगे एक दिन, उसको देख कैसे करके बोलते चढ़ेंगे माँ बोलते, चढ़े लिए बस देखो यार पता ही नहीं चला वो कब हकीकत में बदल गया। फोन कर रहे थे, डरवा रहे थे कभी मत चढ़ना ट्रेन में आना बोल के, लेकिन छिपा के चढ़े लिए ना, बोला कि हाँ ट्रेन में आ रहे हैं, उसके बाद प्लेन में 1 घंटा में पहुँच गया बच्चा घर। सरप्राइज दिए थे मम्मी को, 1 घंटा में पहुँच गया ट्रेन में आना। बोल रहे 2 दिन का आसरा लिए थे ट्रेन से, ट्रेन में रहेगा 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन 1 घंटा में पहुँच गया, कितना बड़ा दिल में खुशी हुआ। 1 घंटा में आ गया, मुंडी धरा लिए बोले कैसे आ गया 1 घंटा में बच्चा, ए माँ प्लेन चढ़े थे बोल रहे, बहुत खुशी हुआ। चलो हिम्मत तो है, छोटा सा कलेजा लेकिन चढ़ के आया बोल रहे। 5 किलो का जूता है? 5 किलो का जूता है? कौन बोला? हम तौले ना, देख रहे वजन मेरा उठ रहा नहीं रहा, भींगा बोल के भारी लग रहा है। 5 किलो से बेसी होगा, कैसे दिन भर रहेगा इसको पहन के? तो भींगा हुआ है तो भारी, पैंट भी तेरा भारी है और जूता भी 6 किलो का भारी होगा। 6 किलो का पैंट रे वाह, इतना भारी। थोड़ा जूता भींगा हुआ है, धूप तो किया नहीं इसीलिए पूरा, मतलब क्या ही बताए यार, सूखा नहीं है जूता अच्छा से, कुछ पहनने के लिए है नहीं। ऐसा क्या ही होता है गाइस, आज तो मौसम ठंडा है, आज तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है, आज सूर्य भगवान नहीं निकले हैं। तो गाइस छाता की हालत देखो आप लोग, काट रहे खाने का नहीं है, ठंडी सब पूरा टूट गया, तोड़ दिया। अरे हवा इतना तेज चला है माँ, उड़िया दिया ना तो उल्टा हो गया था, फिर सीधा किए तो कड़ से ना टूट गया, तो हवा से संभालता था ना। ये देखो और अभी मम्मी थोड़ा सा बोलता है तो थोड़े से खिलाते रहे, खाली पेट जाने नहीं दे रही, कैसे जाएगा घर से खाली पेट बन गया था। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता था कि 2 दिन पहले हवा भरवा रहे थे टायर का पीछे वाला, तो पापा का भी कॉल आया कि पीछे वाला टायर ब्लास्ट खत्म, तो भाई साहब वही नया टायर लगाना होगा। और पापा तो ATM कार्ड लेके गए नहीं, और जो कैश लेके गए थे वो काम पे चला गया, तो अभी पापा बोल रहे कि फ़ोन ऑन रखना ताकि ऑनलाइन पेमेंट करवा देंगे, तो फिर पापा नया टायर लगवा के आ जाएंगे घर। 1500 रुपये का खर्च है समझिए। तो भाई साहब मम्मी टीका लेके आई है, काजल लगा देते हैं, नजर किसी की नहीं लगेगा। अरे बाप रे, नजर नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगा देते हैं। अरे यार नजर ही लगाएगा। बचपन में मम्मी लोग जब हम लोग 1-1, 2-2 महीने का होते हैं जब बचपन में, ठीक है 5 महीने का या जो भी बोलो, तो उस टाइम मम्मी लोग कैसे
पाउडर वाउडर लगा देगी फेस उस पर, पूरा नहला धोवा के तेल उल पैर उल में पूरा मालिश करेगी तेल से, उसके बाद यहाँ छोटा सा टीका लगाएगी। जो जो था ना वो बच्चा लोग खा लिए, छीन लिया बच्चा लोग। कितना बड़ा बड़ा बच्चा? इतना छोटा छोटा। कहाँ पाया? घर में ना, जुबली पार्क वाला रोड। वो निकाल खा रहा था तू? ना बात दे ही रहे थे वो लोग को थोड़ा थोड़ा करके। हाँ बोल रहे थे बांट के सब लोग खाएंगे। तू लोग बोलता नहीं नहीं ऐसे नहीं खाएंगे, हम लोग को दो हम लोग बांट लेंगे। छीना भाग गया पूरा खा गया। अच्छा धर्म हुआ दे दिया। जितना दिन कमाया बच्चा पूरा दुनिया खा लिया, पूरा गांव घर शहर मार्केट सब खा लिया तेरा पैसा बेटा। पैसे धर्म नहीं होगा, धर्म तो होगा ना। बहुत दूर दूर घूमे ना दिया थोड़ा थोड़ा पा, और जब भी जाते थे फल लेके जाते थे वही पैसा से ना। कितना मजबूरी के संभाल दिए, लेकिन अभी हम लोग का थोड़ा नीचे गिरे है। कोई नहीं संभालता ना, मांगते भी नहीं संभालते भी नहीं, किसी से बोलते भी नहीं कि संभालो। सोचो पूजा पाठ सब किए गांव घर में जाके तेरा पैसा से। ठीक है बाय। आ रहे हैं माँ। खुशी खुशी जा, खुशी खुशी आना। ठीक है तो भाई साहब चलो फटाफट सभी चलते हैं। आज फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है भाई साहब, आज लग रहा है ना इतना ज़्यादा बोझ ले लिए। एक तो जूता भारी हो गया है और ऊपर से जीन्स ये भी भारी लग रहा है भाई साहब। बैग तो ऐसे हल्का है पर जूता ज़्यादा भारी लग रहा है, और जीन्स भी भींगा हुआ है ना, कल तो धूप ही नहीं निकला, नहीं तो सूख जाता तो अच्छा होता। पियोगे? पीनी है? अकेले पियोगे ना? पियो पियो चलो मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, बाय बाय। तो गाइस जो मैंने अभी लिया था और बाय बाय बेचारा हंस रहा है, तो 10 रुपये का अभी एक क्या बोलते हैं उसको, तो अभी पीने के लिए लिए थे अपना एनर्जी ड्रिंक, उसको उसका नाम हाँ टाटा ग्लूकोन डी करके आता है, तो बेचारे को देखा तो सोचा चलो दे देते हैं, चलो कोई नहीं नहीं पियेंगे कहीं और पी लेंगे अपन। तो वो शायद से बोल भी नहीं पा रहा था तो बेचारा उसको दे दिए, एक अंदर से फील आए। हेलो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, अभी डायरेक्ट सांची उतरेंगे, और एक भाई मिले हमें क्योंकि भाई का जो शायद से कॉलेज नहीं था, तो चलते हैं अभी फटाफट से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब तक पैसेंजर लोड नहीं होगा तब तक बस आगे नहीं बढ़ेगा। कल गाइस ऑटो का मज़ा लिए थे, आज बस का मज़ा ले रहे हैं भाई साहब, एकदम मज़ा आ रहा है भाई। आज है हम लोग का, मेरा तो योगा है, पता नहीं मेरे भाई का क्या क्या है। मेरे भाई इन्वायरमेंटल साइंस का, और पता नहीं गाइस आज योगा है भाई, योगा करना है क्या? नहीं यार योगा के बारे में लिखना है, योगा के बारे में लिखना है। हम सोचे थे भाई प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा योगा, तो अलग ही। एग्जाम देने से पहले अभी खा लेते हैं कुछ। तो भैया जी इधर मस्त चाट बना रहे हैं, वर्कर्स कॉलेज के बाहर है। आज एड्रेस आप लोग को रिवील कर दिए, जिन भाइयों को मिलना है आ जाओ वर्कर्स कॉलेज में, मिल लेंगे आप सभी से। बस कल तक यार। हाँ कल तक, इसीलिए बता दे रहे कल ब्लॉग अपलोड होगा ना, तब तक तो हम रहेंगे ही नहीं भाई साहब। अब रिवील करके भी कोई फायदा नहीं है। बात तो सही है। ये देखो मस्त भैया गर्मा गर्म बना रहे। आप यही लगाते क्या भैया हमेशा? एग्जाम में ही लगाते हैं। अच्छा एग्जाम में ही लगाते हैं, चलिए इनके वजह से हम लोग भूखा तो नहीं रहेगा यार। ये देखो हमारा चाट बन रहा है, खट्टा पानी है, खट्टा पानी है ना, इमली पानी, इमली पानी। ये है गुड़ का चटनी, गुड़ का चटनी है गाइस देख लो। ये है अपना दही, दही का दूध। ये है प्याज, प्याज धनिया पत्ता। ये हमने एक नंबर भी, आप तो ब्लॉगर बन गए जी, एक नंबर। अरे छोड़िए आपका भी झाल लगना चाहिए ना जी, ये सेवई है, सेवई बोलते ना जी। हाँ, इसको सेव सेव बोलते, सॉरी इधर अलग होने वाला, इधर अलग होने वाला, समझा? तो ये थैंक यू सो मच भैया जी, मेरा भी जरूर जरूर। आप ब्लॉग में आ रहे हैं, आप चैनल सर्च कर लीजिए गरीब बॉय, गरीब बॉय। हाँ गरीब बॉय फेमस आदमी भैया, सर्च कर लीजिए आपको मिल गाइस। अभी जा रहे हैं, पापा आ रहे हैं रांची से, अरे रांची से क्या, रांची से आ गए हैं, तो मानगो पुलिया बुलाया उनको, स्कूटी लेंगे क्योंकि ऑटो में सफर करना बहुत मुश्किल हो गया यार।
एक दिन किए ना भाई, पूरा टफ था। और इसका भी आज योगा है, साला मेरे को भी योगा दिला दिया है। तो पापा बोले आ रहे हैं 5 मिनट में, तो चलते हैं नीचे साइड से आएंगे पापा। आसन प्रशासन लिख के आ जाना। हेलो गाइज, गाइज पूरा काला हो गया पापा अब तो। एक दिन में ट्रेवल करके काला हो गया पूरा। एक दिन का रखिए इसको, आगे रखिए, लगाइए इसका बेल्ट, लगाइए नया टायर लगवा दिए। नया टायर लग गया गाइस आखिरकार। देखो जैसे फुंडू का आए उसके पास तो साला बन फिर उसके बाद उसे क्या करना। नया टायर ठीक किया यार, फुंडू लगा दिया। और जल्दी आना है ना, लेट मत करना ठीक है। जल्दी आना, लेट करने की कोशिश मत करना। तो चलो गाइस फटाफट सब निकलते हैं कॉलेज। ठीक है यार पापा। हेलमेट कहाँ है, यहाँ है मेरा कॉलेज, वो इधर है। तो भाई साहब फिलहाल घर पहुँच चुके हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा कपड़ा भींग चुका है गाइस, जूता से लेके टी शर्ट उशर्ट सब भींग चुका। मुंडी बचा है ना टोपी? मुंडी तो बचा है। इसको देखो ना कार्टून को, खाली गंदा कर दे, खाली खाली पप्पी देने लगे। हाइट तो है नहीं फिर भी लटकेंगे हैं। तो गाइस पार्सल आया देखिए, तो पापा भी अभी घर पर आ चुके हैं। यार थक गए एकदम, हार्सन हो गया तो क्या बोलेगा। अब ब्लॉग चल रहा है मेरा गाइस उधर, ये तो है अच्छा विनबज टी शर्ट है, वो एक डबल एक्सल होगा विनबज होगा। खोलिए तुम प्रमोशन वाला क्या है। हाँ तो भाई साहब ये मुंबई से आया पार्सल। कपड़ा ठीक है? कपड़ा तो ठीक है यार, कस्ता से बात है ना यार, वो एडवर्टाइज करने के लिए दिया है तो खुशी की बात है ना। क्या मेरा गाड़ी का नंबर देखो ना। ओ भाई सभी क्या हो गया है पर मेरा गाड़ी को। ओ भाई साहब अरे कैसा दिख रहा था सामने से। अरे यार इधर एक साइड में तेरा जितना कवर था वो सब निकाला हुआ था। और फोटो नहीं खींचे? और फोटो नहीं खींचे हम। ये देखो गाइस आप सभी का आरसी इधर गिरा, अति इधर कवर उभर उधर गाड़ी का पूरा तो लाट लगा हुआ है उसका अंदर में, इतना दिन बाद देख रहा पापा आएगा इसे। फ्रेम भी देखे ना इसका, रिंग ब्लू था ना, खाली ढांचा बचा ले जा।